तो आईपीएल 2024 बस शुरू ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले खबरों का भंडार आ चुका है। आईपीएल 2024 को लेकर एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अब आईपीएल 2024 को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग तो यही है कि द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2024 से जस्ट पहले उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी है। कप्तानी की जिम्मेदारी अब कोई और निभाएगा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल 2024 में। तो क्या कुछ है खबर, इस वीडियो में पूरी विस्तार से आपको बताने और दिखाने वाले हैं, जहां आईपीएल 2024 को लेकर सभी टीमों से एक दो नहीं कुल चार से पांच बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। तो पहली सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग तो यही है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। अब सीएसके की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी नहीं करते हुए दिखाई देंगे आईपीएल 2024 से। अब महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है और हैंड ओवर कर दिए अपनी कप्तानी चेन्नई सुपर किंग्स के यंग ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में। ऋतुराज गायकवाड़ को ही संभालनी होगी चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी, कमान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में होगी। अब चेन्नई सुपर किंग्स की नैया ऋतुराज गायकवाड़ को ही पार करनी है। अब ऋतुराज गायकवाड़ काफी यंग है, प्रॉमिसिंग है, जबरदस्त यंग ओपनर बल्लेबाज है। ये तो तय था कि जब भी महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ेंगे तो फिर कोई और नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ ही टीम को लीड करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी की जगह वही कप्तानी करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी का ग्रेट एरा द एंड हो चुका है। अब ऋतुराज गायकवाड़ नया चैप्टर लिखेंगे सीएसके के लिए, जहां इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी इतिहास रच चुके हैं। पांच बार इससे पहले चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स की टीम को चैंपियन बनाया, पांच बार आईपीएल का ट्रॉफी जीता, जहां आईपीएल 2010 जीता, आईपीएल 2011, आईपीएल 2018, आईपीएल 2021 और आईपीएल 2023 जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में। और फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है आईपीएल 2024 में। तो वही बात करें दूसरी बड़ी अपडेट की, तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है गुजरात टाइटंस के खेमे से। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि मोहम्मद शमी, टीम इंडिया के एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, गुजरात टाइटंस के प्रीमियर टेस्ट खेलबाज पूरे आईपीएल 2024 से ही बाहर हो गए थे। तो अब आपको बता दें कि इनका रिप्लेसमेंट गुजरात टाइटंस की टीम ने फाइनली अनाउंस कर दिया है। इनकी जगह पर टेस्ट खेलबाज संदीप वेरर को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया एज अ रिप्लेसमेंट, जहां इससे पहले संदीप वेरर पांच आईपीएल मैच खेल चुके हैं और अब गुजरात टाइटंस की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं 50 लाख रुपए की बेस प्राइस में। जहां आईपीएल ऑक्शन में इनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और 50 लाख रुपए में ही गुजरात टाइटंस की टीम ने इन्हें खरीदकर अपनी टीम में साइन किया है शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल 2024 में। बात करें तीसरी बड़ी अपडेट्स की, तो सबसे बड़ी खबर यह है कि मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज दिलशान मधुसंका पूरे आईपीएल 2024 से ही बाहर हो गए। जैसे कि काफी समय से ये न्यूज आ रही थी कि दिलशान मधुसंका इंजर्ड है, शुरुआती मैचेस मिस करेंगे, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि दिलशान मधुसंका पूरे आईपीएल 2024 से ही रूल्ड आउट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। और मुंबई इंडियंस की टीम ने इनका भी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है, इनकी जगह पर साउथ अफ्रीका के यंग तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को साइन करके टीम में शामिल किया है, जो कि एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, काफी खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। इससे पहले अभी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले साउथ अफ्रीका के लिए, गजब का परफॉर्मेंस दिया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। इन्होंने उस टूर्नामेंट में एक बात भी कही थी जसप्रीत बुमराह से कि मैं आपसे बेहतर हूं, मैं आपसे बेहतर गेंदबाजी करना जानता हूं। और अब क्वेना मफाका और जसप्रीत बुमराह दोनों एक ही टीम में शामिल हो चुके हैं आईपीएल 2024 के लिए, जहां इनकी प्राइस 50 लाख रुपए है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट, सबसे पहले हर एक न्यूज़ अपडेट्स और वीडियोस, जबकि डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पाना चाहते हैं, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। यहां पर आईपीएल की तो हर एक अपडेट्स पल पल की दी जाती है, सबसे पहले दी जाती है यूट्यूब से पहले भी। बात करें चौथी बड़ी अपडेट्स की, तो चौथी बड़ी खबर है राजस्थान रॉयल्स के खेमे से, जहां आरआर की टीम को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनके शानदार स्पिनर आदम जंपा पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया रिपोर्ट्स के अनुसार। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया कि आदम जंपा पूरे आईपीएल 2024 से बाहर होने जा रहे हैं, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये आईपीएल 2024 को लेकर सभी अपडेट्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।